हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज़ इंटरक्टिव क्लासेस हेलो एवरीवन, टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इन इंग्लिश एंड सेकंड इन ईवीएस वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश रीडिंग बुक माइलस्टोन प्राइमर बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट में वर्क करेंगे पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम ईवीएस में वर्क करेंगे और ये आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक है माइलस्टोन प्राइमर तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर थर्टी वन और अब हम आपकी इंग्लिश रीडिंग बुक के पेज नंबर थर्टी वन पर है तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर थर्टी वन निकालेंगे एंड आर टूडेज टॉपिक इज यूज ऑफ ही एंड शी ऑब्लिक हिज एंड हर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ही she, his and her, right? तो so, यू e, use, ई of, ओ e, he, ऑफ and, ई e, she एंड डी एंड एस एच ई शी ये ऑब्लिक का मार्ग है उसके बाद एच आई his, हिज ए एंडी एंड और एच ई आर हर राइट तो आज हमें इन चारों वर्ड्स का यूज करना सीखना है कि ही She, his, and her कहां पर यूज होता है राइट right, स्टूडेंट्स तो सबसे पहले मैं आपको इनका हिंदी में मीनिंग बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं ही और शी राइट एच ई ही और शी दोनों किसके लिए यूज हो, यूज होता है ही और शी वह ठीक है वह के लिए यूज होता है लेकिन क्या दोनों हम कैसे यूज करेंगे कहाँ पे हमें यूज करना है जब कोई लड़के के बारे में बात होती है ठीक है ना जब कोई बॉय के लिए किसी चीज के लिए बोला जाता है बॉय के बारे में बात हो रही है तो वहां पर ही का यूज होगा एच ई -e, ही ठीक है ना और अगर किसी गर्ल के लिए बात हो रही है तो वहां पर एस एच ई -e, शी का यूज होगा मतलब कि मेल ठीक है ना जैसे कोई आदमी है कोई लड़का है ठीक है ना तो उसके लिए ही का यूज होगा या फिर कोई लड़की है या कोई औरत है उसके लिए शी का यूज होगा तो ये ध्यान रखेंगे आप कि लड़के के लिए ही का और लड़की के लिए शी का यूज होगा राइट right? अब हिज और हर का यूज कहां होना है ये कैसे पता चलेगा अब हिज और हर का यूज हमें कहां पर करना है जब इन दोनों से मतलब लड़का या लड़की की कोई ऐसी चीज हो जो उनसे जुड़ी हुई हो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हिज और हर का यूज होगा तो ही के साथ तो हिज का यूज होगा ठीक है ना लड़के के साथ हिज का यूज होगा और लड़की के साथ हर का यूज होगा एच ई -e आर हर का यूज होगा राइट तो ही के साथ हिज और शी के साथ हर का यूज करेंगे तो चलिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू सेंटेंसेस के थ्रू आपको इनके यूजेस के बारे में समझाया गया है एक बार हम उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं राइट right? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये इधर की तरफ मार्क किया हुआ है मतलब इस गर्ल के बारे में बात हो रही है तो लड़की है तो इसलिए देखिए आप यहाँ पर एस एच ई शी आया है ना मैंने आपको बताया था कि लड़की के लिए शी का यूज होगा एस एच ई शी आई एस इज आर ओ एस वाई रोजी शी माने वह इज़ माने है रोजी उसका नाम है तो वह रोजी है राइट right? समझ में आया शी वह इज माने है रोजी उसका नाम है तो इसके लिए बात हो रही है इस लड़की के लिए कि शी इज रोजी वह रोजी है अब नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे टी एच आई एस दिस आई एस इज एच ई आर हर डी ओ डबल एल डॉल दिस इज हर डॉल हर का मतलब उसका या उसकी ठीक है ना उसकी किसी चीज के लिए बात हो रही है इस लड़की की किसी चीज के लिए बात हो रही है तो इसलिए वहां पर हर का यूज हुआ है ठीक है किसके लिए बात हो रही है डी ओ डबल है उसकी डॉल के लिए बात हो रही है तो दिस इज हर डॉल दिस माने यह इज माने है हर माने उसकी और डॉल माने गुड़िया यह उसकी गुड़िया है क्या है शी इज रोजी एंड दिस इज हर डॉल वह रोजी है और यह है उसकी गुड़िया है राइट समझ में आया आपको तो शी का यूज तो इसके लिए हुआ है लड़की के लिए रोजी के लिए और हर का यूज क्यों हुआ है क्योंकि उसकी किसी चीज के लिए बात हो रही है मतलब उसकी गुड़िया के लिए बात हुई है तो वहां पर दिस इज हर डॉल उसकी गुड़िया के लिए है ना तो दिस इज हर डॉल राइट उसके बाद अब सेकेंड वाले में देखिए ये मार्क इधर को है मतलब इस बॉय के बारे में बात हो रही है तो बॉय जहां पर बॉय की बात होगी तो वहां पर क्या आएगा एच ई ही आएगा ठीक है तो एच ई ही आई एस इज सी एच ए आर एल आई ई चार्ली ही इज चार्ली ही माने वह इज माने है और चार्ली उसका नाम है तो ही इज चार्ली वह चार्ली है इस लड़के का नाम चार्ली है तो इसके लिए बात हो रही है कि ही इज चार्ली ही और शी दोनों का मतलब वह है ठीक है लेकिन शी लड़की के लिए है और ही लड़के के लिए है। ये ध्यान रखेंगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में टी एच आई एस दिस आई एस इज एच आई एस हिज अब ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले सेंटेंस में था एच ई आर हर और यहां पर है एच आई एस हिज क्यों है हिज क्योंकि ही के साथ हिज का यूज होगा ठीक है हिज के आई टी ई -E, काइट अब दिस इज His kite. तो दिस का मतलब यह इज मतलब है हिज माने उसकी ठीक है ना काइट मतलब पतंग यह है उसकी पतंग है क्योंकि उसकी किसी चीज के लिए बात हो रही है ना किसी कि, किस चीज के लिए बात हो रही है उसकी पतंग के लिए उसके पास पतंग है तो उसके बारे में बात हो रही है तो इसलिए यहां पर हिज आ गया दिस इज हिज काइट यह उसकी पतंग है राइट उसके बाद नेक्स्ट नीचे चलेंगे एच ई ही अब इधर की तरफ को है तो मतलब इसके बारे में बात हो रही है इस आदमी के बारे में ठीक है तो एच ई ही आई एस इज अल ए डब्ल्यू वाई ई आर लॉयर ही इज अ लॉयर ही मतलब वह इज मतलब है a माने एक लॉयर माने वकील राइट right? आपने देखा होगा कई सारी पिक्चर में वकील जो केस लड़ते हैं कोर्ट में है ना ब्लैक कलर का कोट पहना होता है उन्होंने तो उसे वकील कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट है नीचे लाइन में टी एच आई एस दिस आई एस इज एच आई एस हिज बी ओ के बुक अब दिस माने यह इज है हिज माने उसकी बुक मतलब किताब कह रहा है कि यह उसकी किताब है हिज क्यों आया क्योंकि उसकी किताब के बारे में बात हो रही है ठीक है ना पहले तो उसके लिए हुई थी तो ही आया था क्योंकि वो बॉय है अब हिज ही के साथ क्योंकि हिज आएगा तो दिस इज हिज बुक ठीक है ना वह है, उसकी किताब है नेक्स्ट अब देखिए इधर की तरफ मार्क है मतलब इस गर्ल के बारे में बात हो रही है तो लड़की है तो लड़की के लिए एस एच ई शी आ जाएगा तो आ आ एस एच ई शी आई एस ए एस एम आई एन ई जैस मिन शी इज जैसमिन शी मतलब वह इज मतलब है जैसमिन उसका नाम है तो वह जैसमिन है राइट उसके बाद टी एच आई एस दिस आई एस इज एच ई आर हर बी ए जी बैग दिस इज हर बैग दिस मतलब यह इज मतलब है हर मतलब उसका बैग मतलब बैग जो उसके पास है ठीक है तो दिस इज हर बैग अब उसके बैग के लिए बात हुई है तो इसलिए यहां पर हर आ गया क्योंकि शी के साथ हर आएगा दिस इज हर बैग यह है उसका बैग है उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अब यहां पर ये यह मार्क लगा हुआ है ठीक है अब यहां पर अभी तक तो सिर्फ एक एक था यहाँ पे जैसे गर्ल बनी हुई थी तो हमें समझ में आया कि गर्ल के लिए बात हो रही है यहाँ पे ये मैन बना हुआ था तो इसलिए हमें समझ में आया कि इसके लिए बात हो रही है तो ही आ गया अब यहाँ पर बॉय भी है गर्ल भी है है ना दोनों हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है सबसे पहले एस एच ई शी मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है क्योंकि शी आ गया शी इज मैरी एम ए आर वाई मैरी शी इज मैरी अब ये इस लड़की के बारे में बात हो रही है, है ना क्योंकि मैरी लड़की का नाम है तो शी इज मैरी यह है मैरी है वह मैरी है एच ई ही आई एस इज ओ टी एच ई आर ब्रदर ही इज हर ब्रदर ठीक है अब क्या है उसके उसकी किस चीज के बारे में बात हो रही है उसके भाई के बारे में बात हो रही है और भाई कौन है एक लड़का है है ना भाई क्या है लड़का है तो इसलिए यहां पर उसके लिए ही आ गया ही आई एस इज एच ई आर हर बी आर ओ टी एच ब्रदर ही इज हर ब्रदर वह उसका भाई है राइट उसके बाद ऐसे ही नीचे अब इधर की तरफ मार्क है अब यहाँ पर क्या है एच ई ही आई एस इज एम वाई माई जी आर ए एंडी ग्रैंड एफ ए टी एच ई आर फादर ग्रैंड फादर ही मतलब वह इज मतलब है माई मतलब मेरे ग्रैंड मतलब दादाजी वह मेरे दादाजी हैं राइट अब कौन कह रहा है वो वो बच्चा कह रहा है कि वह मेरे दादाजी हैं ठीक है क्योंकि ही है तो ही के साथ क्या आएगा हिज आ जाएगा टी एच आई एस दिस आई एस इज एच आई एस हिज एस टी आई सी के स्टिक अब उनकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है इसलिए हिज आ गया क्योंकि ही है ही साथ हिज आएगा तो दिस इज हिज स्टिक क्या हो गया इसका मतलब दिस मतलब यह इज मतलब है हिज मतलब उनकी स्टिक मतलब डंडा ठीक है ना या फिर लाठी यह है उनकी लाठी है राइट तो बच्चों समझ में आया आपको कि कहां पर ही शी हिज और हर का यूज कैसे कैसे होना है तो एक बार दोबारा से ही का यूज लड़के के लिए होगा शी का यूज लड़की के लिए होगा ही के साथ हिज आएगा और शी के साथ हर आएगा ठीक है ना तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से इसको रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे अब पेज नंबर थर्टी टू पर इससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज आपके लिए दी गई है ही शी और हिज और हर से रिलेटेड तो इसको देखते हैं क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद ही शी हिज एंड हर राइट अब क्या करेंगे यहां पर इसको पढ़ते हैं टी अब इधर की तरफ मार्क है तो इसका मतलब इस लड़की के लिए बात हो रही है ना? तो टी एच आई एस दिस आई एस इज ए डबल ए एल आई वाई ए आलिया दिस इज आलिया दिस मतलब यह इज मतलब है आलिया उसका नाम है यह आलिया है राइट right? आई एस इज अ गर्ल अब ये क्या है गर्ल है या बॉय है गर्ल है है ना तो गर्ल के लिए क्या आएगा ही आएगा या शी आएगा गर्ल के लिए शी आएगा वेरी गुड है ना तो हम यहां पर क्या लिख देंगे शी इज अ गर्ल ठीक है ना वह एक लड़की है शी मतलब वह इज मतलब है अ मतलब माने एक, गर्ल माने लड़की वह एक लड़की है दिस इज आलिया यह आलिया है और वह एक लड़की है राइट right? उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए इधर की तरफ मार्क है इसका मतलब बॉय के लिए बात हो रही है ठीक है ना इसके लिए बात हो रही है अब क्या आएगा यहाँ पे क्योंकि ये बॉय है तो बॉय के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ही लिख देंगे एच ई ही आई एस इज के ए आर ए एन करण ही इज करण वह करण है वह करण है ठीक है ना अब टी एच आई एस दिस आई एस इज ए डबल पी एल ई एप्पल अब क्या उससे जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में बात हो रही है किसके बारे में एप्पल उसके एप्पल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा ही के साथ क्या आता है हिज आएगा है ना तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिज एच आई एस हिज दिस इज हिज एप्पल दिस मतलब यह इज मतलब है हिज मतलब उसका एप्पल मतलब सेब यह उसका सेब है राइट तो ही के साथ हिज का यूज होगा राइट यह उसका सेब है अब नेक्स्ट है यहाँ पर अब इधर की तरफ मार्क है इसका मतलब इस लड़की के बारे में बात हो रही है ठीक है ना अब लड़की क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लड़की के लिए शी आ जाएगा है ना एस एच ई शी आई एस इज एच यू आर बी एच आई सुरभि शी इज सुरभि शी मतलब वह इज मतलब है सुरभि मतलब उसका नाम है सुरभि तो शी सुरभि यह सुरभि वह सुरभि है राइट right? अब टी एच आई एस दिस आई एस इज बी डबल ओ के बुक अब किसके बारे में बात हो रही है उसकी बुक के बारे में बात हो रही है है ना तो उससे जुड़ी हुई चीज है तो इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा शी के साथ हर हर का यूज होगा है ना तो एच ई आर हर शी के साथ हर का यूज होगा तो टी एच आई एस दिस आई एस इज एच ई आर हर बी ओ के बुक दिस इज हर बुक दिस मतलब यह इज मतलब है हर मतलब उसकी बुक मतलब किताब यह उसकी किताब है राइट right? अब उसके बाद इधर की तरफ मार्क है मतलब कि इस बच्चे के बारे में बात हो रही है ये बॉय है ठीक है ना तो क्या आ गया बॉय के लिए ही आ जाएगा लड़के के लिए ही एच ई -e, ही तो ही आई एस इज ए एन ए वाई अनय ही इज अनय उसका नाम है अनय ही मतलब वह इज मतलब है अनय उसका नाम है वह अनय है ठीक है ना टी एच ई एस ई दीज ए आर ई आर टी ओ वाई एस टॉयज अब उसके टॉयज के बारे में बात हो रही है अब टॉयज उसके बहुत सारे हैं इसलिए यहां पर दीज आ गया जब कोई भी चीज बहुत सारी होती है तो उसके लिए क्या आता है दीज आता है, है ना और दीज के साथ आर आता है ए आर ई आर जब ज्यादा होता है तो फिर कोई भी चीज ज्यादा होती है तो फिर आर आएगा ठीक है ना तो दीज आर अब उसके टॉयज के लिए बात हो रही है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर He के साथ क्या आएगा वेरी गुड हिज आ जाएगा है ना तो यहां पर हम हिज लिख देंगे एच आई एस हिज दीज आर हिज टॉयज दीज मतलब वे आर मतलब हैं, हिज मतलब उसके टॉयज मतलब खिलौने वे उसके खिलौने हैं ये उसके खिलौने हैं उसके बाद नेक्स्ट है अब मार्क इधर की तरफ है तो इसका मतलब इनके बारे में बात हो रही है है ना अब पढ़ते हैं क्या है टी एच आई एस दिस आई एस इज आर ए जी एच यू रघु रघु ठीक है तो इसके बारे में बात हो रही है और वो कह रहा है कि दिस मतलब वह इज मतलब है रघु मतलब उसका नाम है रघु वह रघु है ठीक है ना अब यहाँ पर आई एस इज अ कॉबलर अब ये मैन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉय है ये है ना तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज अबलर ठीक है यह रघु है और ही मतलब वह इज मतलब है अ माने एक और कॉबलर बोलते हैं जो जूते ठीक करने वाले होते हैं उनको ठीक है मोची जिसे हम बोलते हैं तो ही इज अ कोबलर वह एक मोची है दिस इज रघु यह रघु है और वह एक मोची है उसके बाद नेक्स्ट है इधर की तरफ मार्क है तो मतलब इसके बारे में बात हो रही है गर्ल के बारे में तो गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं शी का यूज करते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे शी एस एच ई शी राइट शी आई एस इज ए एस एच आई अशी शी इज अशी राइट उसका नाम है आशी तो शी मतलब वह इज मतलब है आशी उसका नाम है वह आशी है टी एच आई एस दिस आई एस इज एफ एन फैन अब क्या किसके बारे में बात हो रही है उसके हाथ में जो फैन है उसके बारे में बात हो रही है तो उससे रिलेटेड है तो शी के साथ क्या होगा हर का यूज होगा तो यहाँ पर हर आ जाएगा एच ई आर हर दिस इज हर फैन दिस मतलब यह इज मतलब है हर मतलब उसका फैन मतलब पंखा यह है उसका पंखा है ठीक है तो ये समझ में आया आपको कि कहाँ पर शी का यूज होगा कहां पे हर का यूज होगा कहां पर ही एंड कहां पर हिज तो ये ध्यान रखेंगे कि बॉय के साथ ही का गर्ल के साथ शी का और ही के साथ हिज का और हर के साथ शी का राइट तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे पेज नंबर थर्टी टू पर और अब चलते हैं सेकेंड वर्क पे ईवीएस में एंड नाउ दिस इज योर ईवीएस बुक एंड वी आर ऑन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री और अब हम आपकी ईवीएस की बुक के पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर हैं तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर ट्वेंटी थ्री निकालेंगे एंड आर टूडेज टॉपिक इज क्लास रूम आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम क्लासरूम बोलते हैं कक्षा को ठीक है ना जो आपके स्कूल में होती है जिस में आप जिस रूम में आप बैठते हैं स्कूल में उसको बोलते हैं आपकी क्लासरूम या फिर आपकी कक्षा तो सी एल ए डबल एस क्लास आर डबल ओ एम रूम वो कमरा जिसमें आप बैठते हैं स्कूल के अंदर उसको बोलते हैं क्लासरूम राइट right? तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्लासरूम में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं उन चीजों के बारे में यहां पर दिया गया है तो चलिए वी सी द फॉलोइंग थिंग्स इन द क्लासरूम क्या है कि हम देखते हैं कुछ चीजों को क्लासरूम में वो कौन कौन सी चीजें हैं वो यहां पर आपको दी गई हैं तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है सबसे पहले है सी एच ए आर टी चार्ट सी एच ए आर टी चार्ट अब चार्ट किसको बोलते हैं क्लासरूम में आपने देखे होंगे कि लगे होते हैं जैसे वन टू का चार्ट लगा होता है नंबर्स का और ए टू जेड का चार्ट लगा होता है या फिर अ से अह तक का चार्ट लगा होता है ठीक है ना जिसमें भी कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सिखाई जाती हैं क्लास में उसको चार्ट कहते हैं राइट उसके बाद सेकेंड है डी यू एस टी ई आर डस्टर ए एन डी एंड सी एच ए एल के चौक डस्टर एंड चौक अब डस्टर किसको बोलते हैं डस्टर बोलते हैं जो कि डस्ट को साफ करता है ब्लैक बोर्ड से मतलब कि जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और हमें कोई दूसरी चीज लिखनी होती है हम उसको इरेज करते हैं तो वो हम किससे करते हैं इरेज डस्टर से जैसे जब आप अपनी नोटबुक में वर्क करते हैं और आपका कुछ वर्क गलत हो जाता है तो आप इरेज इरेजर से करते हैं ना लेकिन सेम वही जब मैम आपको क्लासरूम में पढ़ा रही होती है ब्लैक बोर्ड पे और या कुछ दूसरी चीज मैम को लिखनी होती है तो वो किस चीज से इरेज करते हैं डस्टर से तो ये वही डस्टर है एंड चौक जिससे कि लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे राइट उसके बाद नेक्स्ट है बी एल ए सी के ब्लैक बी ओ ए आर डी बोर्ड ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड किसे कहते हैं जिसमें की आपको मैम लिख के समझाती है कोई भी चीज क्लास में जो होता है ब्लैक बोर्ड उसके बाद नेक्स्ट है बी ए जी बैग बैग जो सभी बच्चों के पास होते हैं जिसमें वो अपनी बुक्स नोटबुक्स अपने टिफिन वो सब चीजें लेके आते हैं स्कूल में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है एल यू एन सी एच लंच बीओ एक्स बॉक्स लंच बॉक्स लंच बॉक्स किसको बोलते हैं टिफिन को जिसमें कि आप लोग अपना क्या लेके आते हैं लंच लेके आते हैं मींस अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए स्कूल में लेके आते हैं उसे बोलते हैं लंच बॉक्स उसके बाद नेक्स्ट है W A T E R वॉटर B O डबल टी एल ई बॉटल वाटर बॉटल वॉटर मतलब पानी और बॉटल मतलब कोई भी बोतल जो होती है तो वाटर बॉटल जिसमें कि आप पानी लेके आते हैं स्कूल में अपने लिए पीने के लिए उसे बोलते हैं वाटर बॉटल उसके बाद नेक्स्ट है N O T E Note, B -O Book, Note, Book. नोट B डबल O के बुक नोट बुक नोटबुक इसे बोलते हैं जिसमें आप वर्क करते हैं वो नोटबुक जो आप अपने बैग में लेके आते हैं राइट उसको हिंदी में कॉपी भी बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट है डी आई एस पी एल ए वाई डिस्प्ले बी ओ ए आर डी बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड, बोर्ड, बोर्ड उसको बोलते हैं जो कि क्लासरूम में होते हैं और जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी उन बोर्ड्स पे लगाई जाती है ठीक है क्लास में उसको बोलते हैं डिस्प्ले बोर्ड राइट ताकि उस एक्टिविटी को या कोई भी चीज उसको सब लोग दे सक देख सकें उसको डिस्प्ले किया जाता है दिखाने के लिए उस बोर्ड पर लगाया जाता है तो उस बोर्ड को बोलते हैं डिस्प्ले बोर्ड उसके बाद नेक्स्ट है डी ई एस के डेस्क एन डी एंड ई एन सी एच बेंच डेस्क एंड बेंच डेस्क एंड बेंच बोलते हैं जिसको कि आप जिसमें कि आप बैठते हैं उसको बेंच बोलते हैं और जिसमें आप अपनी बुक रखते हैं उसको डेस्क बोलते हैं राइट right? तो वो होता है डेस्क एंड बेंच तो ये जो है ये है डेस्क और जिसमें आप बैठते हैं ये है बेंच राइट स्टूडेंट्स तो ये कुछ चीजें थी कुछ थिंग्स थे जो कि आपको अधिकतर क्लासरूम में देखने के लिए मिलते हैं तो हमने इन चीजों को देखा और समझा और इनकी स्पेलिंग देखी अब ये इनको आपको ध्यान से रीडिंग प्रैक्टिस करना है और इनको समझना है इनको लर्न करना है राइट right? उसके बाद पेज नंबर ट्वेंटी पर इसी से रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दी गई है इसे करते हैं हम लुक एट दिस पिक्चर एंड मैच द थिंग्स देयर नेम्स यहां पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नेम दिए गए हैं उनके साथ हमें उन्हें मैच करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पिक्चर्स के आगे यहाँ पर डॉट्स लगा देंगे और फिर उनको मैच करेंगे तो हम पढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद उसे मैच करेंगे सबसे पहला है डी ई एस के डेस्क अभी मैंने बताया कि डेस्क किसे बोलते हैं जिसमें कि हम अपनी बुक्स रखते हैं अपना बैग रखते हैं जैसे कि यहाँ पर ये यह है तो इसके साथ डेस्क के साथ हम इसको मैच कर देंगे राइट उसके बाद नेक्स्ट है बी डबल ओ के बुक बुक बोलते हैं किताब को तो ये पिक्चर बनी हुई है तो यहाँ पर इसके साथ इसको मैच कर देंगे उसके बाद थर्ड है डी यू एस टी डस्ट बी आई एन बिन डस्ट बिन डस्टबिन भी क्लासरूम में होते हैं जिसमें कि कोई भी कूड़ा आपको डालना होता है जैसे आप पेंसिल शार्प करते हैं तो उसका कूड़ा या फिर जब आप लंच करते हैं तो उसका रैपर वो आप किसमें थ्रो करते हैं डस्टबिन में है ना तो ये है डस्टबिन इसके साथ इसको मैच कर दिया उसके बाद नेक्स्ट है सी एच ए एल के चौक ठीक है तो चौक जिससे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है ये है पिक्चर इसके साथ इसको मैच कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट है डी यू एस टी या डी यू एस डस्ट टी या टर डस्टर डस्टर जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे रब करते हैं कुछ भी लिखा हुआ तो ये है ऊपर डस्टर इसके साथ इसको मैच कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट है सी ह ए आर टी चार्ट चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासरूम में लगे होते हैं जिस जिससे भी आपको पढ़ाया जाता है जैसे मान लो ए अल्फाबेट्स के बारे में या फिर काउंटिंग या फिर आ, हिंदी में वर्णमाला वो आपको सिखाई जा रही है वो चार्ट के थ्रू जो क्लासरूम में लगे होते हैं उसे चार्ट कहा जाता है ये देखिए जैसे ये है यहाँ पर पिक्चर बनी हुई तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे ठीक है तो ये हमारा मैचिंग वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया उसके बाद नेक्स्ट यहां पर एक्सरसाइज है जॉइन द डॉटेड लाइंस एंड कलर द पिक्चर यहां पर ये डॉटेड लाइन है इसको आपको ट्रेस करना है पेंसिल से बनाना है और फिर इस पिक्चर में कलर करना है राइट तो आज के लिए आपकी एक्टिविटी यही है इसमें आपको ट्रेस करना है और इसमें कलर करना है तो पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर आप ये अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आज के लिए इतना ही टेक केयर एंड गुड डे आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बीइंग विद